हे मलेडी, तुम यहाँ थी? गेस करो कि तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम कौन लाया है? तुम्हारी फेवरेट किटी। तुम जानती हो ना कि तुम हमेशा से मेरी फेवरेट किटी हो। मेरी आइसक्रीम। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ले आऊंगा। नहीं नहीं किटी, भूल जाओ आइसक्रीम को। मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या तुमने कभी इच्छा मांगी और वो अलग तरीके से पूरी हुई है? मानो कि कुछ मिसिंग हो तुम्हारी जिंदगी से, मतलब कुछ बदल रहा हो। नहीं, मेरे पास सच में सब कुछ है जो भी मैंने चाहा। क्या हो गया मैंने? जब से तुम ट्रांसफॉर्म हो गया ये तुम तब से चुप हो। कुछ नहीं देखी, मैं बस चैटनियर के बारे में सोच रही थी, जो भी हमारे बीच में हुआ। मैं जानती हूँ कि मेरे पास एडियन है, पर मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। तुम जानती हो, जब मोनार्क ने हमें कैटनियर के साथ टच किया था तो एकदम से मुझे सब कुछ सच लगा, हमारी चार बच्चे और हमारी शादी। मैरिनेट, पर वो सच नहीं था। एड्रियन ने हमारी डेट कैंसिल कर दी क्योंकि उसके पापा ने शेड्यूल चेंज कर दिया है। ये बहुत बुरा हुआ, अगर चैटनियर होता तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर मैं चैटनियर की तरह उससे डेट करता तो ऐसा कभी नहीं होता। तो तुम चैटनियर बनके ही उसके साथ क्यों नहीं चले जाते? प्लान, अगर मैं चैटनियर बनके उससे डेट करूंगा तो वो खतरे में आ जाएगी ना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी कॉम्प्लिकेट करनी है तो ठीक है। शायद मुझे उसे एक बार चेक करना चाहिए, कम से कम एक बार। वो अपनी बालकनी में नहीं है। बालकनी में नहीं है तो यानी कि दिल भी नहीं टूटा है। शायद वो सो चुकी है। चैटनियर? हाँ? ओ बॉय, चैटनियर पकड़ लिया। मैं ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकती। मैरिनेट। ओह हाय मैरिनेट। हाय चैटनियर। मुझे माफ करना, मेरी वजह से हम गिर गए, मैं तुम्हें खींचना नहीं चाहता था। तुम भी तो गिरी थी, और तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ जैन, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अगर सब सही है तो तुम मुझे मेरे रूम में ले जा सकते हो? श्योर प्रिंसेस। मुझे जानना था कि क्या तुम कल शाम को फ्री हो मूवी देखने के लिए। मैं नहीं जानता अगर ये अच्छा आइडिया है मैरिनेट। दोस्त के लिए तो जरूर। वैसे मैं नहीं जानती कि हमारा जाना सही होगा भी। अब ऐसा मत कहना। और तुम सही हो, मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, और कब से मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। तो कल मिलते हैं, बाय। हाँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ, मैं बहुत बोलता हूँ, मैंने बोलने से पहले सोचा भी नहीं। कम ऑन एड्रियन, फोकस करो। मुझे बस अच्छे से पेश आना है, कोई फ्लावर्स नहीं, कोई गिफ्ट नहीं। मेरी बॉडी मेरे माइंड को फॉलो ही नहीं कर रहा। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ये ड्रेस सही रहेगी? इसे मैंने बहुत पहले बनाया था और ये आज के लिए परफेक्ट रहेगी। मैरिनेट, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। शायद वो नोटिस ना करे। मुझे नहीं पता मैरिनेट तुम क्या कर रही हो। मैं जानती हूँ, पर वो सपना, मैं बस एक बार लास्ट बार डांस करना चाहती हूँ चैटनियर के साथ। फिर तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी मैरिनेट, जितना भी मैं कर सकती हूँ। वो अंदर नहीं है तो यानी कि मैं अपने घर जा सकती हूँ, ये अच्छा आइडिया है। हाय मैरिनेट। ओह माय फ्रेंड कैटनियर, तुम कैसे हो माय फ्रेंड? हाँ, आज तो हम मूवी देखने जा रहे हैं माय फ्रेंड। क्या तुम श्योर हो कि तुम ठीक हो? हाँ हाँ, मैं ना पिक्चर देखने का वेट नहीं कर पा रही हूँ, क्या हम देखने चले? ओह किटी, इतना उदास मत हो, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है ना, हम अब मूवी एंजॉय कर सकते हैं। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे आगे ना बढ़ो। मुझे चिढ़ा रहे हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा स्टाइल नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? हाँ शायद हो सकता है। हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पर मेरे पास तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं, पर तुम मुझसे प्यार करती हो क्योंकि मैं